ये जरूर पूछ रहे हैं दर्शक कि आप कौन से सेक्टर में इस वक्त सबसे ज्यादा बुलिश देख रहे हैं। देखिए, मैंने मुझे लगता है तीन चार सेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्टार्टिंग विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि काफी इस सेक्टर ने नॉन परफॉर्मेंस दिखाई है और कंसोलिडेशन दिखाया, और आने वाले साल में मुझे लगता है कि जो जो सतत विकास वाली कंपनीज हैं, चाहे वो परसिस्टेंट सिस्टम्स हो, एम्फेसिस हो, TCS हो, HCL टेक हो, ये कंपनीज रेगुलर इसके अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी। कारण ये भी है कि डॉलर बहुत अपनी स्ट्रेंथ की पोजीशन पे है, रुपी वीकेंड है, तो इनके इनफ्लोज अच्छे होंगे। दूसरी बात, काफी हद तक फ्लैप जो है कंपनी में, जो एक्स्ट्रा लोग थे उनको काटा जा चुका है, बेंच स्ट्रेंथ खत्म करी जा चुकी है, और AI के चलते हुए भी बहुत सारी छटनी हुई है बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में। तो इस समय जो सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी टेक कंपनी का, वो होता है सैलरीज। तो काफी राइट साइजिंग हो चुकी है उन कंपनीज में, तो आने वाली तिमाहियों में अच्छे प्रॉफिट्स देखेंगे। दूसरा सेक्टर जो मुझे लगता है वो है डिफेंस। अब दो बड़ी जंग चल रही हैं, लगातार 2 साल हो गए हम देख रहे हैं कि जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो जो छोटी मझोली जो 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 कंट्रीज हैं, उनको भी अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ एम्युनिशंस, आर्म्स, एयरप्लेन, सबमरीन्स, शिप्स चाहिए होंगे। तो अब वो अमेरिका नहीं जा सकते, वो फ्रांस नहीं जा सकते, वो जर्मनी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर जो भी सामान मिलता है बहुत महंगा मिलता है। तो भारत एक ऐसी जगह है जहां पर उनको सस्ता आर्म्स, एम्युनिशन और डिफेंस का सामान मिलता है। भारतीय सरकार की भी काफी कोशिश है, और ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि भारत को यदि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है तो डिफेंस के बिना नहीं हो सकता, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे भारत सरकार का भी खास फोकस है। हमारे पास शिप बिल्डिंग के ऑर्डर सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में, तो हम देख रहे हैं कि हमारी शिप बिल्डिंग कंपनीज भी बहुत अच्छा करेंगे आने वाले समय। तो ये एक सेक्टर है। तीसरा सेक्टर मुझे लगता है जो लग्जरी सेगमेंट है, क्योंकि मैंने ये देखा कि रिच दे आर गेटिंग रिचर, और उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो स्प्लर्ज कर सकते हैं, पैसा खर्च रहे हैं। कोविड के बाद हमने देखा लोगों ने ट्रैवल में बहुत खर्चा किया, लग्जरी के सामान में बहुत खर्चा किया। अगर आज भी आपको कोई बहुत लग्जरी कार चाहिए, मसराटी चाहिए, तो वो वेटिंग लाइन है, मतलब उसमें आपको जाते ही आप खरीद लें ऐसा संभव नहीं है। या रोलेक्स की घड़ी आपको पर्टिकुलर मॉडल चाहिए तो 6-6 महीने का वेटिंग। तो लग्जरी सेगमेंट से रिलेटेड मुझे लगता है कि कंपनीज अच्छा करेंगी, और जहां पर पैसा लोग ज्यादा स्प्लर्ज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, वो कंपनीज जो अट्रैक्ट करेंगे कैपिटल, उन कंपनीज में निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल सर, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो ये देखते होंगे कि जब जैसे अब आपने विजय सर, जब आपने शुरुआत की होगी आज से 2 दशक पहले करीब, जो आपने शुरुआत की होगी, आपने सेक्टर्स चूज़ किए होंगे, नए सेक्टर्स जो इमर्जिंग सेक्टर्स होंगे, जो आगे जाके बड़े बन गए, आगे जाके वो FMCG बन गए या फिर तमाम बड़े सेक्टर्स में वो कन्वर्ट हो गए, तो आज के वक्त में कोई ऐसी नई पॉकेट, कोई ऐसी नई थीम आपको दिखती है जो फ्यूचरिस्टिक है और नए इन्वेस्टर्स को उसको ट्रैक करना चाहिए? मैंने भारतीय बाजारों में जब शुमार करी थी, तब मैं स्टूडेंट ही था 1994 में, तो लगभग 3 दशक हो गए, और उस समय पर तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। वहां पे बड़े सिंपल से सेक्टर्स थे, ऑटो हुआ करता था, बैंकिंग हुआ करता था, जो लिस्टेड कंपनीज थी FMCG हुआ करता था, ऑयल एंड गैस हुआ करता था, सीमेंट हुआ करता था, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। मगर अब जब हमने इकोनॉमी का पूरा बदलाव देखा पिछले 20-30 सालों में, और आज की डेट में जो फ्यूचरिस्टिक कंपनीज हैं, हमने देखा जिस तरह से जोमाटो ने पूरा का पूरा रंग रूप चेंज कर दिया, जिस तरीके से खाना खाने की ऑर्डरिंग होती है, लोग घर बैठे सामान मंगाते हैं, और न्यू एज कंपनीज में मुझे लगता है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। जो टेक बेस्ड कंपनीज, चाहे वो फिनटेक हो, चाहे वो क्विक कॉमर्स की कंपनीज हो, मुझे लगता है पेटीएम में भी काफी हद तक जो जो समस्याएं थी वो जा चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद उनको अपना बैंकिंग लाइसेंस जो उन्होंने खोया था उनको वापस मिल सकता है। तो एक तो ये सेक्टर है। दूसरा मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है, और जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो जो कंपनीज हैं, वो अच्छा करना चाहिए। अब हमने पिछले 6 महीने में एक ट्रेंड देखा, वो ट्रेंड ऐसा है कि लिथियम बैटरीज का जो प्राइसिंग है वो कम हो गया है। तो पर किलोमीटर जो गाड़ी चलती थी पेट्रोल या डीजल की, जो पहले लगभग सेम पड़ता था लिथियम आयन बैटरी का या EV का, अब वो गिरता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में लिथियम के जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। कारण ये है कि लिथियम के रिजर्व्स भी ढूंढे जा रहे हैं, या कुछ नई टेक्नोलॉजीज ढूंढी जा रही हैं, सोडियम आयन पे भी काम करा जा रहा है। तो EV और EV से रिलेटेड और बैटरी से रिलेटेड जो कंपनीज काम कर रही हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी से लेके जो लोग कंपनीज काम कर रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रही हैं, तो ये ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिफेंस
एवरग्रीन सेक्टर है, और मुझे लगता है डिफेंस भी ऐसा सेक्टर रहेगा जो डिमांड में रहेगा। और एक और मैं एज ओल्ड और बड़ा ट्रेडिशनल सेक्टर बोलने वाला हूँ, मेटल्स। मुझे लगता है मेटल्स में एक रॉन्ग लॉन्ग टर्म बुल रन में है। और अगर आप कॉपर की बात करें, हमने देखा सिल्वर लगभग 1 लाख पहुंच चुका है और यहाँ से भी तेजी लग रही है, तो मेटल्स में, इंडस्ट्रियल मेटल्स में खास करके मुझे तेजी नजर आती है।